know these points before you start. Biodiversity is a variety and variability found in organisms living in a specific area. It can be conserved by establishing national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. Biodiversity क्या होता है? Biodiversity मतलब जहां विभिन्नता हो, एक जैसी चीजें ना हो, अलग अलग चीजें हो, ठीक है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स और प्लांट्स यानी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जा रहा है कि क्या होते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि सारे प्लांट्स एक ही एरिया में नहीं होते, अलग अलग रीजन में वो प्लांट्स भी अलग अलग होंगे। और इट कैन बी कंजर्व्ड बाई एस्टेब्लिशिंग, इसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, नेशनल पार्क बना के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू या बायोस्फेयर रिजर्व करके। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट्स इस फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उसे, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, फौना, सॉरी फ्लोरा। जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है, फ्लोरा, यानी उस स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स। और फौना क्या होता है, उस एरिया में पाए जाने वाले एनिमल, ठीक है। एनिमल में सारे एनिमल आएंगे, उनको क्या बोलते हैं, फौना, और प्लांट्स को फ्लोरा। ए वाइज एंड जुडियस और माइजर्ली यूज ऑफ ऑल आवर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, यानी किसी भी संसाधन का, किसी भी सामान का जब हम बचा बचा के यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी ही क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई चीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, एक ही बार यूज नहीं करते हैं, आराम आराम से करते हैं, जब हमें उसकी जरूरत होती है तभी यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स का हमें वही यूज करना है जहां जरूरत है, ठीक है, और उनका बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट्स एंड डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, या फिर बहुत सारे फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, शहरीकरण हो रही है, इन सारी चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। जंगलों की कटाई करने से क्या होगा, उस जंगल में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट्स भी खत्म होगा और हमारी बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो रही है, दिन पर दिन समाप्त होते जा रही है। रेड डाटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट थ्रेटेंड स्पेसीज। रेड डाटा बुक क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड होता है जिसमें वैसे चीजों को रखा जाता है जो इनडेंजर्ड कैटेगरी में होता है, यानी कि खत्म होने के कगार पे होता है या फिर जिसको खतरा है कि अब खत्म हो जाएगा, यानी कि ये रिकॉर्ड है। और इस रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उन्हें कंजर्व किया जाता है। ये हमें पता चलता है कि ये स्पीसीज जो है खत्म होने वाली है, इसकी कंजर्वेशन की जरूरत है, तो हम उसे कंजर्व करते हैं। माइग्रेशन इज सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर फीडिंग फ्रॉम वन हैबिटेट टू अदर। माइग्रेशन क्या है, जैसे हम माइग्रेशन करते हैं किसी चीज के तलाश में, हम गांव से शहर में आ गए किस लिए, ताकि हमें बेटर जॉब मिल सके, बेटर एजुकेशन मिल सके, अच्छा लाइफ जी सके। उसी तरह से ये एनिमल भी क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, लेकिन किस लिए, वो अपने भोजन की तलाश में माइग्रेशन करते हैं। एफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाई प्लांटिंग न्यू ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट क्या होता है, फॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों की कटाई करना, पेड़ों की कटाई करना, और एफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ लगाना। चलिए अब पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। अनुज पढ़िए बायोडाइवर्सिटी। यस।
अभी क्या पढ़ रहे थे हम, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा दो टर्म से बना हुआ है, कौन कौन सा, बायो बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स क्या होता है, बायोज मीन्स लाइफ, ठीक है। हमें भी पता है बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, यानी कि जीव विज्ञान, यानी बायोज मतलब जीव, लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, वेरिएशन। यानी कि ये टर्म जो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, यानी कि जितने भी हमारे लाइफ हैं यहाँ पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी सारी वैरायटी को मिला के क्या कहते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। इट वाज कॉइन्ड बाय ईओ विल्सन। ईओ विल्सन जो थे ना, ये अमेरिका के बायोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम क्या है, एडवर्ड, अगर आप नोट करना चाहो तो कर लो, एडवर्ड ऑसबर्ने विल्सन। इन्होंने 1985 में क्या बताया, इट वॉज कॉइंड बाई ईओ विल्सन इन 1985 एंड रिप्रेजेंट्स द कॉन्साइज फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म को किसने दिया, इन्होंने, ईओ विल्सन। ये कहाँ के थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थे। इट मे बी डिफाइंड एज द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन आवर प्लेनेट इन ए पार्टिकुलर एरिया। यानी कि किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी तरह तरह के जीव जंतु हैं, इन सारे चीजों को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि विविधता, यानी कि उनमें जो अलग अलग तरह की वैरायटी जो देखने को मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पार्टिकुलर रीजन। बायोडाइवर्सिटी टर्म को हम किस लिए यूज करते हैं, किसी पार्टिकुलर रीजन में, यानी किसी भी शेष क्षेत्र में, किसी डिफाइंड क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, उसे ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की हिंदी क्या होती है, जैव विविधता। यानी कि जीव जंतुओं में जो विविधता हमें देखने को मिलती है, जो अलग अलग व्यवहार, अलग अलग हैबिटेट देखने को मिलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इस्टिमेटेड टू इनहेबिटेट द अर्थ। यानी कि कितना अनुमान लगाया गया है कि 15 मिलियन जो है ना ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज, प्रजाति, उसमें क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अल्गी, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि इन सारी चीजों की 15 मिलियन प्रजाति इस इस्टीमेट किया गया है, कि इस अर्थ पे अनुमान लगाया गया है कि इस अर्थ पे इतने प्रजाति हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। दे रिप्रेजेंट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। यानी किसी, जब किसी स्पेशल एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में जब हम कहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, लेकिन जब पूरे प्लेनेट की बात करेंगे, यानी पूरे प्लेनेट के जब हम लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे, प्लांट का बात करेंगे, तो क्या कहेंगे उसे, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल वर्ड किस लिए आता है हमारे लिए, ग्लोब, ग्लोब वर्ड किस लिए आता है, ये पूरे अर्थ के लिए आता है, ठीक है। यस मैम। यानी कि जब हम पूरे अर्थ की बात करेंगे, पूरे अर्थ प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, तो क्या देंगे उसके लिए टर्म, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी देंगे। बायोडाइवर्सिटी हैज अराइजन बिकॉज ऑफ द वेरिड क्लाइमेट जोन्स। बायोडाइवर्सिटी क्यों होता है, उनमें विविधता क्यों होती है, वो अलग अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट जोन है ना वो अलग है, इसलिए उनमें वैरायटी भी देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है।
The climate determines which type of plants and animals will survive and flourish in the particular region. यानी कि क्लाइमेट वेदर से ही पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह का प्लांट उग पाएगा, कैसे एनिमल रह पाएंगे. जैसे वाटर है तो वाटर में वाटर एनिमल ही रहेंगे ना, जो उसको एडॉप्ट कर पाए, जो उनके पास ऑर्गन वैसा हो जिससे वो वाटर में भी सरवाइव कर लें. जैसे जो फिश होती है, फिश कैसे सांस लेती है? मैम मुंह से पानी नहीं घुसेगा मुंह में, उसके गिल्स से यानी कि हाँ, उसे नेचुरली गिल्स मिला हुआ है जिससे वो वाटर में सरवाइव कर सके. क्या हम जाके वाटर में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसा ऑर्गन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट सी थिक टॉल ट्रीज इन डेजर्ट, एंड डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल एंड डेजर्ट लिजर्ड कैन नॉट सर्वाइव इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या कभी आपने फॉरेस्ट में मोटे बड़े ट्रीज देखे? नहीं देखे, क्योंकि उस तरह का क्लाइमेट वहां का नहीं है. उस तरह का क्लाइमेट डेजर्ट में नहीं पाए जाते जैसे जिसमें की वो ट्रीज ग्रोथ कर पाए. यानी कि ये जितने भी वेरिएशन है, वो किसकी वजह से दिख रहे हैं? क्लाइमेट की वजह से. क्लाइमेट हमारे प्लेनेट पर अलग अलग है, इस वजह से यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस भी देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट डिफरेंट है तो प्लांट और एनिमल भी डिफरेंट होंगे. जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर किस एरिया में रहता है, कैसा रीजन में रहता है? मैम कोल्ड रीजन में. कोल्ड रीजन में रहता है. क्या उसे हम ला देंगे? ला देंगे अगर राजस्थान के डेजर्ट में, तो रह पाएगा? नो मैम, नहीं रह पाएगा. यानी कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, और इसी वजह से ये जो है ना वेरिएशन देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया.